राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली नो, उम्मीद करा सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक है। दो करनी है जरूरी बात, और दोनों बात खुशखबरी की है। एक तो है आज चाचा रघुवीर का है, बात नो तनावगी 12 बजे से, 12:30 बजे से सब पहुँच जाइयो। टेढ़े बुलावे के लिए भी एक बात नो तनाव, उसके बुलावे के लिए भी इतने पैसे मंगा है। अगर किसी 2100 रुपये चाहिए, उन्हें पैंट वो शर्ट चाहिए, सूट चाहिए, ब्याह के देखो। दूसरी बात है बात नो तनाव, दूसरी बात है। और एक देनी खुशखबरी आ कि 9 तारीख ने DAV स्कूल आगे तय जगमोहन काउंसलर है जो वेले जा रहे हैं बस हरिद्वार में, हरिद्वार ले जा रहे हैं। जो बाण जाना चाहे अपना फोटो आधार कार्ड और फोन नंबर वहां पर दिया हो, सीट नंबर मिल जाएगा आपने। अगर वो दिन तुम जोड़ा ठाक बाजोगी तो सीट नहीं मिलेगी, फिर तुम वे जो नाम लिखवा कर है वे बगैर सीट जाओगी, तुम सीटा पर बैठ कर जाओगे, तो सीट के हिसाब से ही जाओगे, ना कि खड़ी जाओगे। 4-5 घंटे का रास्ता है, देखो खड़े जाओगे पैरा में दर्द होगा, कि तो कोई कठिनाई होगी, कि तो कोई तो अपना नाम पहले ही लिखवाया हो, खड़े टाइम मत भागो। 6 तारीख तो ही कह रहा कि 6 तारीख के तो शाम तक अपने फोटो और आधार कार्ड की कॉपी, फोन नंबर आप दिया हो, जैसे थारी सीट हो जा उसी हिसाब से बस होंगी। बस तो 10-15 जा रही हैं, पर हर एक गांव में तो जा रही हैं, जैसे जैसे भाई रजोकरी है और गांव है। देखो मेरे को इतना पता नहीं, मेरे को तो किशनगढ़ का बेरा है, किशनगढ़ में तो बस जा रही है, 2 जा रही हैं 5 जा रही हैं कह जा रही है, ये सवारी के ऊपर बात है। अगर सवारी हो जाएंगी उसी हिसाब से जाएंगी, जैसे हम जोड़ा ठाक है पीछा बाजा खड़े टाइम मिल जाएगी सीट, सीट नहीं मिलती ऐसे। अपना नाम और आधार कार्ड 2 फोटो ये दिया हो, और जाकर अपना नाम लिखवाया हो, जिस बाण ने जाना है, फ्री सेवा है, फ्री खाना है, फ्री रहना है 9 तारीख को। और अपने देखा हो जब मैं पूछे हो कै दिन का टूर है, 1 दिन का है 2 दिन का है, वो उनने बोल भी रखा है। अरे हमारी जो कथा है भागवत कथा, मारी बस भी जाओगी 9 तारीख ने, और मारी जो कथा है वह 10 तारीख तक शुरू है, 10 नहर की पौड़िया से उठेंगे कलश, और जिस बाणता शामिल होया जा वह हो सकती है उसमें। और जगमोहन ने काउंसलर ने 11,000 रुपये कथा के लिए दिए हैं, भागवत कथा के जो हरिद्वार में होगी उन्हें उस योग हमारे तक दिया है। राधे राधे भाग दे, राधे राधे सारी यूट्यूब फैमिली ने, उम्मीद करा सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज देखो मिलवाती हूँ जगमोहन जी से, कहाँ ले जा रहे हैं बस ये खुद बताएंगे। हाँ जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। ये हमारी चाची भी बैठी है। हम भी आए। हाँ जी बोलो आप। जगमोहन जी जय बाबा लटुरिया महाराज की, जय श्री राम। और मेरी चाची राधे राधे बोल रही, राधे राधे। राधे राधे। हम यहाँ अपने किशनगढ़ गांव से और मसूरपुर जो ये हमारा नजदीक का क्षेत्र है, यहाँ से 9 तारीख कार्तक के महीने में अपनी चाची ताई दादियों को कार्तक नहाने लेके जा रहे हैं हरिद्वार। 9 तारीख हम यहाँ DAV स्कूल हमारे वसंत कुंज में है, यहाँ से जितनी भी हमारी बस होंगी 10, 12, 15, 20 हम सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। और जो मेरी चाची की ताई के माध्यम से जो वीडियो सुन रहा हो, वीडियो जो अभी देखा, जिस बाण की इच्छा हो वो जा सकती है, और इच्छा तो बनानी पड़ेगी कार्तक के महीने में। हाँ, कार्तक नान है, और हमारी जो रामलीला यहीं बाबा लटुरिया मंदिर में होती है। हाँ। उसके बैनर तले हम लोग चल रहे हैं, तो आप सभी को निमंत्रण है 9 तारीख से पहले अपना नाम लिखवा दे। हाँ, नाम लिखवा दे, 2 फोटो आधार कार्ड पहचान पत्र, जिससे व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, हम सभी को एक कार्ड देंगे। बाई चांस कोई आगे पीछे हो जाए तो हमारा नंबर रहेगा, उस जो स्थान जहाँ पर हम रुकेंगे आश्रम का, उसका स्थान का नंबर रहेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो हमारे साथ हरिद्वार 9 तारीख को चलना चाहता हूँ, वो 6 तारीख शाम तक अपना नाम फोटो और नाम फोन नंबर लिखवा दें, जिससे हमें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने में आसानी है। सही बात है, जय बाबा लटुरिया। जैसे आधार की तो फोटो कॉपी चल जाएगी। हाँ, सब फोटो कॉपी, 2 फोटो ओरिजिनल चाहिए, हम अपने उसमें लगाएंगे जो बस पे लगाएंगे आपके पास। और देखो इनके जो साथ जाएगी वो 10 तारीख को हमारी कलश यात्रा में भी शामिल हो जाएगी। ये होगा बड़ा
जो कलश यात्रा में शामिल होना चाहो है। और किराया भी है क्या आपकी बस में? फ्री है, फ्री है। अच्छा देखो फ्री है, जो खाना भी फ्री है, खाना पड़ेगा फ्री है, फोटो खिंचवाने पड़ेंगे वो उनके पैसे लगेंगे। हाँ भाई फोटो आगे तो पैसे देना हो नहीं, एक आधार की कॉपी फोटो बस। अरे माँ यहाँ अपना हलवाई का सामान लिखवाने दादा दो दादा ने कर रखे हमारे हलवाई। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दादा ये मारा सामान बता दो। लो जी जी जो 800 रुपये इकट्ठे करे हैं, 9000 रुपये पंडित जी दिए हैं, ये मैं देखिए बेचारा के करेगा, हवन भी करना है। और जो रह रही है वे पैसे दे दियो, मेरे पास अभी तक 12,500 आए, 3,500 अभी मेरे हाथ में है, 12,500 आए, 12,500 रह रही है, 2-4 जनी कल दे देंगे, कल दे दो मेहरबानी करके, जो रह रही है वे दे दो। हाँ देखो सुबह 4 बजे आके दादा भी आता है तो सहयोग देना चाहिए, कथा सुनकर पाछा हवन भी करेगा, तुलसी भी वहाँ भी करेगा, ज्यादा नहीं बने थोड़े दे दो। हाँ थोड़े दे दो, जरूरी नहीं है भाई के उतने है, वैसे तो 800 का रेट निकाला है पर क्या की श्रद्धा नहीं है। अरे साथ तो लो, सोचा एक बांट दिया चाची ने, बांट दिए पंडित जी आके पीछे, दे दिए 9,000 रुपए पंडित जी को, अभी 3,500 मेरे हाथ में है, कल आ जाएंगे जब सब लोग दे देंगे। ये पंडित जी दे दिए ना, इन 23 की 17 दे सिर्फ उन दे। अच्छा ठीक है ना, फिर उससे अच्छा। हां उससे अच्छा, क्या बहन जो कल रह रही है ना वे अपने पैसे लिए यो लिए यो कल भाई, जिस पे जो बने देखो प्रेशर मत मानना, सबके अपना हिसाब है। इतना बोल लियो जी जी, ये चाची ने तो बस दरी की लाग रही, दरी हटवा दो ले, रुक जाओ कदे मैंने गिरा दो, दरी पे खड़ी थी ना मैं, जब हमने हमारे बच्चे ने 11,000 रुपए भागवत कथा के लिए सहयोग दिया है, भगवान वो खूब तरक्की करे और उसकी खूब मेहरबानी हमारे मतलब बाबा लटूरिया की उसके ऊपर मेहरबानी बनी रहे, आगे जाकर वो विधायक का भी चुनाव लड़ा है और ऐसा ही काम को जिता है। अरे ऐसे हमारी कथा में भाग लेता रहे, सहयोग करता रहे, सहयोग करता रहे, बच्चे के लिए तालियां बजा दो भाई, बजा दो। एक में 11,000 रुपए दिए है, कई बाणा ने दिया सहयोग, कईयों ने दिया 11,000 रुपए, 11,000 रुपए संतोष ने, किसी ने 2100 भी दिए हैं, किसी ने 1100 ने 3100 भी दिए हैं, एक बिना ने 3100, कईया ने 5100 भी दिए हैं। और देखो भागवत के पैसे दिए हैं अलग, 11,000 रुपए और भी दिए हैं। चले बहन ओ तो हाँ सही बात, चलो भाई हरिद्वार चलो, सब चलो चलो सर हरिद्वार चलो, बूढ़े हो जाएंगे हड़े बैठे रहेंगे, फिर राम आ गए ए बोल लो पापा लटूरिया की जय हो, उठो उठो राम राम जी जी के हारे में भिप जा के पड़ी मेरे राम, मैं जावे चल गए अरे चल वे चल पड़ी मेरे राम, मैं तमने ते मारी के पड़ी मेरे राधे राधे। राधे राधे की तेरी सिंगरिया बनवाए सो
जो आगे का कैमरा बेरा ना कुकर हो रहा है।